राहुल जी से प्रेरित होके मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है सुना है वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे लिए संविधान से बड़ा सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान के जज्बे को, जमहूरियत को, इंसाफ को कत्ल करने का एक प्रयास है। इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, FIR में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। FIR में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे मुंशिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? बहुत हुआ। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से, किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि FIR में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा। मॉरल अथॉरिटी, किसानों की मौत। मैं जब यहां आ रहा था तो सड़क पे एक बछड़ा आ गया, बछड़ा दो बार ब्रेक लगी, हाय तौबा हुई और वो बच गया। इंसानियत मर चुकी है, पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रौंदते हुए चले जाना कहां की इंसानियत है? यह हैवानियत है, कोई हैवान कर सकता है। इसलिए यह संविधान का बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। किसानों की जो ये जो पवित्र संघर्ष है उसमें किसी लीडर की भी आहुति होनी चाहिए, तभी ये विश्वास वापस आएगा। द इमेज ऑफ द अग्ली पॉलिटिशियन हैज टू बी इरेस्ड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए मैं अपने वचन का पक्का हूं, क्योंकि मोल ही उसी चीज का है, जबान का भरोसा होना चाहिए। जब तक इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता,
कि अमीर के लिए और है, मंत्री के लिए और है, और गरीब के लिए और है, और किसान के लिए और है। उस पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा, और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई है, गरीब मजदूरों के हकों की लड़ाई है, हक सच की लड़ाई है, इसमें एक इंच पीछे नहीं है। आई विल नॉट फ्लिंच नॉर बैक एन इंच। अनशन पर कहां बैठेंगे आप? यही अभी से नोजो जी, जिस तरह प्रियंका गांधी इसके बाद मेरी बात सुन लीजिए, मैं मौन हूं और कोई बात नहीं।